लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं है। अभी तक हम लोगों ने जो भी ऑपरेटर देखे हैं, जो भी फॉर्मूले देखे हैं, ठीक है, वो हमने देखे क्या, 2 + 3 1500 × 10%, मतलब 10 / 100 प्लस समथिंग, ठीक है। इन सब का आउटपुट क्या आ रहा था? एक नंबर आ रहा था, एक सिंपल सा नंबर आ रहा था, जो भी उसकी कैलकुलेशन होने के बाद जो उसकी वैल्यू आ रही थी वो नंबर आ रहा था। एक चीज और बनाई गई है कंप्यूटर साइंस में कि कैलकुलेशन तो आपको करनी ही है, बट कई बार हमें ये पता करना है कि इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स, क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए एक स्पेशल बना दिया गया है, उसे कहते हैं बूलियन, ठीक है, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप सिर्फ दो वैल्यूज दे सकता है, जैसे हम लोगों ने इंटीजर में रेंज डिस्कस किया, हमने फ्लोट में रेंज डिस्कस किया, और कैर में हमने कहा कि ये कैरेक्टर्स ले सकता है, ऐसे बूलियन टाइप से लेकिन सिर्फ ओनली टू वैल्यूज, ओनली टू वैल्यूज, ठीक है, ये क्या ले सकता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं इसे छोटा लिख के लिखूं तो वो ज्यादा सही रहेगा, मतलब इसकी मेमोरी होती है सिर्फ 1 बिट, 1 बिट, क्योंकि 1 बिट में क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, ठीक है, तो 0 का मतलब है फॉल्स और ट्रू का मतलब है, और 1 का मतलब है 0 = फॉल्स, 1 = ट्रू, इसीलिए बूलियन में सिर्फ 1 बिट की ही यूज होती है। अब इस बूलियन का मतलब, अच्छा एक चीज और नोट कर लेना, बस ये कर लेना कि इन जावा 0 means false, ठीक है, इन जावा 0 means false, एनी अदर वैल्यू मीन्स ट्रू, ठीक है। तो अगर आपने लिखा है 2 + 3 तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, तो अगर आप 5 को कहीं पर यूज करोगे बुलियन में तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रू, और अगर आप 2 - 2 करोगे तो ये हो जाएगा 0, 0 का हो जाएगा फॉल्स। इसको मैं करके दिखा देता हूँ, एक बूलियन कैसे बनाते हैं, बूलियन सिंपल नाम है, बूलियन जैसे इंट नाम था इसमें बूलियन रहता है, बूलियन a = true, बूलियन b = false, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं ऐसे ही प्रिंट भी कर सकता हूँ, सिस्टम .out.println a, सेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ जी, ये देखो पहले प्रिंट हुआ ट्रू, बाद में प्रिंट हुआ फॉल्स, जो हमने वैल्यू ले रखी, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ बूलियन a = 2 + 3, ठीक है, तो पहली चीज तो ये फट जाएगा क्योंकि इंटीजर इंटीजर है, इंटीजर की साइज होती है 32 बिट, और बूलियन होता है 1 बिट का, तो भाई कैसे छोटे में बड़ा आएगा, ठीक है, तो ये पहले ही एरर थ्रो कर देता तो आप इसको ऐसे ना करो। लेकिन मैंने एक जो वैल्यू बताई ये चीज ध्यान रख, कि अगर 0 आ रहा है उसका मतलब है फॉल्स, एनी अदर वैल्यू मीन्स ट्रू, ठीक है। इसका यूज क्या होगा, इसका यूज होगा कि जब भी आपको कोई कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, क्या जब भी कोई कंडीशन चेक करनी है, कंडीशन चेक, देन यूज बूलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है। एक्सप्रेशन ये टर्म फिर से आ गया, अभी हम लोगों ने बात करी थी, लिटरल होता है, एक्सप्रेशन होता है, ऐसे हम लोग लिखते थे 2 + 3, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है,
हमने लिखा है ए प्लस बी माइनस सी, ये क्या है? एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऐसे ही ये एक एक्सप्रेशन है, और इनका आउटपुट क्या आएगा? कुछ न्यूमेरिक आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज है, इनका आउटपुट न्यूमेरिक आएगा। बट अगर मुझे ये चेक करना है कि एज इज ग्रेटर देन 12 ईयर्स, तो क्या ये न्यूमेरिक है? क्या ये कंडीशन एक न्यूमेरिक है? नहीं ना, ये तो एक कंडीशन है। इस तरह के एक्सप्रेशन का आउटपुट सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो एज 12 से बड़ी होगी, या तो 12 से बड़ी नहीं होगी, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नंबर नहीं आएगा। तो जब भी आपको कंडीशन चेक करनी हो, तो देन यूज बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कि आपका जो आउटपुट है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स। मान लो कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड, हेलो, हाँ सॉरी, हेलो, हाँ सॉरी, हाँ बोलो सॉरी, हाँ अरे बोलो बोलो, हाँ अच्छा, OTP 42760। ठीक है, हाँ सॉरी, वो मेरा इस फोन से ब्लूटूथ कनेक्टेड है, तो हेडफोन चेंज हो जाता है। ओके, तो हाँ, कहा जब भी कंडीशन चेक करनी है तो बूलियन एक्सप्रेशन यूज करो। हाँ, इनकम टैक्स का प्रोग्राम, जैसे इनकम टैक्स हमारा प्रोग्राम बनता है, तो इनकम टैक्स के कुछ स्लैब्स होते हैं, कैसे कि 2.5 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तो 0 टैक्स, ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 10% टैक्स, सॉरी 5%, ठीक है, और 5 से 10 है तो 10%, 10 से 20 पे है आपका 20%, और 20 के ऊपर है तो, ग्रेटर देन 20 लाख है तो 30% टैक्स। तो आप इस तरह की चीजों को अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में कैसे लेकर आओ, ठीक है? तो आपको इस तरह की कंडीशन होनी पड़ेगी। क्या आपकी सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा है? क्या जो बंदा है उसकी सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा है, या 5 लाख से ज्यादा है, या 10 लाख से ज्यादा है? तो इन सब चीजों को इवेल्युएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी इसकी, बुलियंस की, या बुलियन एक्सप्रेशन की। अब मेरे पास, अगर मेरे पास एक इनकम टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, अगर मेरा इनकम वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू है 2.5 लाख, तो मैं सिंपल चेक कर सकता हूँ क्या इनकम इज ग्रेटर देन 2.5 लाख। अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो मैं उसका टैक्स 0 नहीं लगाकर, जितना भी ज्यादा होगा, जो जिस भी स्लैब में पड़ेगा उसमें पड़ेगा। तो हमें पहले कैलकुलेशन करनी थी, उसके लिए हमने भाई पूरा मैथ्स के और ऑपरेटर देख लिए, फिर अभी हमें कुछ कंडीशन चेक करनी थी, उसके लिए हमारे पास बूलियन आ गया। ऐसे ही कुछ बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपको क्या देंगे, बूलियन में आउटपुट देंगे, मतलब ट्रू या फॉल्स। और ये ऑपरेटर क्या होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और डबल इक्वल टू। लेस देन का हमें पता है अगर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली से छोटी है तो ट्रू रिटर्न करो, ग्रेटर देन का पता है राइट वैल्यू, लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाले से बड़ी है तो ट्रू रिटर्न करो। लेस देन इक्वल टू का मतलब है अगर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाले से छोटी है या उसके बराबर है तो आप ट्रू रिटर्न करो। ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो लेफ्ट वाली वैल्यू मतलब ए है और बी है, तो बी ए अगर
बी से बराबर है या उसके बड़ा है, तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में अगर अगर मैं यहाँ पर ए और बी कर देता हूँ, अगर ए बी के बराबर भी है, अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। पर इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों? क्योंकि इक्वल टू वाली कंडीशन आ गई। और लास्ट वाला जो ऑपरेटर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है इक्वेलिटी ऑपरेटर। इक्वेलिटी मतलब क्या है? चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू बराबर हैं कि नहीं। मतलब ए इक्वल टू बी अगर लिखा है तो ए की वैल्यू भी 10 होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी 10 होनी चाहिए, तभी आपके पास ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। मेन ये पांच ऑपरेटर है इसमें, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, इक्वल। तो अब मुझे इनकम चेक करनी है, इनकम ग्रेटर देन 2,50,000, मैं कौन सा यूज करूंगा? ग्रेटर देन ऑपरेटर। मुझे चेक करनी है इनकम इक्वल टू 2 लाख, मैं इक्वल टू चेक करूंगा। जैसे मुझे दो बंदों की एज चेक करनी है कि इनकी एज 1 और एज इक्वल टू बराबर हो, तो मैं इक्वलिटी ऑपरेटर यूज करूंगा। ठीक है, मैं किसी का ग्रेटर देन यूज करूंगा, किसी का लेस देन यूज करूंगा, बट ये मेन ऑपरेटर है और इससे हम लोग बूलियन करते हैं।